केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में बैठे किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। सोमवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ये बंद चलेगा। किसान आंदोलन के 10 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने ये ऐलान किया है। तो आइए आपको बताते हैं 27 सितंबर को दिल्ली एनसीआर में क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा। 27 सितंबर को क्या क्या बंद रहेगा। दिल्ली की सीमाओं पर लोगों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है। किसान संगठनों ने कहा है कि वो दिल्ली के अंदर जाकर तो विरोध नहीं करेंगे, लेकिन सीमाओं पर रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। हरियाणा में 27 सितंबर को सभी राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों को 10 घंटे यानी सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ब्लॉक किया जाएगा। किसानों ने कहा है केंद्र और राज्य सरकार के सभी दफ्तर और संस्थाएं भी बंद रहेंगी। मार्केट, दुकान, मॉल, उद्योग भी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अन्य शिक्षण संस्थानों को भी बंद करवाया जा सकता है। किसानों का दावा है कि किसी भी तरह का सरकारी और गैर सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रम भी नहीं करने दिया जाएगा। 27 सितंबर को भारत बंद पर क्या खुला रहेगा। किसानों ने दावा किया है कि अस्पताल, दवा की दुकान, एम्बुलेंस समेत अन्य मेडिकल से जुड़ी सारी सेवाएं खुली रहेंगी। अगर किसी छात्र को परीक्षा या इंटरव्यू में जाना है तो उसे भी रोका नहीं जाएगा। वहीं कोरोना से जुड़ी किसी भी सर्विस को बाधित नहीं किया जाएगा। इस आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसा और तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। फायर ब्रिगेड, व्यक्तिगत इमरजेंसी जैसी किसी भी घटना से जुड़े कार्यक्रमों और कार्यों को नहीं रोका जाएगा। बता दें, किसान संगठनों का खास निर्देश है कि भारत बंद का समर्थन करने के लिए किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना की जाए, लोगों से स्वेच्छा से सब कुछ बंद करने की अपील की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।